पिया की हालत खराब होती हुई है। मम्मी जी ने पूरा ही जूता काट दिया और वहाँ पे मुझे मिला सबसे होनहार टॉपर यहाँ का। जो पहला वाला चैनल था उस समय हमने बेकरी की बहुत खिल्ली उड़ाई थी, ठंडी पेटीज बेचता था। सो गाइज यहाँ पे अभी बेकरी का शॉट ले रहा था और मुझे यहाँ पे भाई लोग सब्सक्राइबर मिले। हे गाइज व्हाट्स अप, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे और ठीक ही रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इन माई लास्ट प्रीवियस वीडियो। बहुत अच्छा लगा यार, मतलब काफ़ी लोगों को ब्लॉग पसंद आया और मुझे DM भी इंस्टाग्राम में, बाकी व्हाट्सअप में तो खैर मुझे कभी उम्मीद रहती नहीं। फालतू के 400 तो मेरे सीन ही आते हैं व्हाट्सअप में। खैर कोई बात नहीं, बाकी यार हमारे कॉलेज के भी ऑफ वगैरह पड़ रहे हैं दशहरा के 2-3 दिन के, सो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग शूट कर लूँ। वैसे मेरे कॉलेज में हम नए फ्रेंड्स बन चुके हैं, मतलब ऐसे बंदे काफ़ी फ्रेंड्स बने, बट एक ग्रुप है उन्होंने, मतलब 3-4 फ्रेंड्स हैं तो मेरे भी फ्रेंड्स बन गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। कल उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया, बाकी अगर आज वो आए तो मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगा। बाकी एक गुड न्यूज़ और है, वैसे गुड न्यूज़ भी क्या है, मतलब मुझे जैकेट वगैरह लेनी थी राइडिंग की, क्योंकि मैंने ना क्या होता है राइडिंग जैकेट मैं उसके लिए नहीं ले रहा कि मतलब बिल्कुल ब्लॉगर वाला लुक आएगा, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ या मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैं जैसे बाइक में इधर उधर जाता हूँ ना तो धूल से ना कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता जरा सा भी कपड़े गंदे हो जाए, उसके लिए मैं ले रहा हूँ राइडिंग जैकेट। हाँ थोड़ी महंगी ले रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ या वगैरह, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला व्लॉग में, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में बोलते हैं कि यार भाई आप ऐसे ऐसे, मतलब इस रिलेटेड तो मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी, मेरे पापा मुझे पे कर देते हैं, मुझे पॉकेट मनी मिलती है, बहुत अच्छी पॉकेट मनी मिलती है, बाकी तारीफ क्या करूँ। बाकी यार गाइस एक और चीज़, जो जो लोग मुझे देखते हैं मैं आपसे एक चीज़ क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, मैं देखो व्लॉग में वही दिखाता हूँ जो रियल है, कुछ मैं फेक वगैरह नहीं दिखाता। सो अगर आप लोगों को किसी मेरी बात का बुरा वगैरह लगे, क्योंकि कुछ बातें मैं भी ऐसी कर देता हूँ कि मतलब सामने वाले को अच्छा ना लगे, तो यार मुझे बता दिया करो, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं उस चीज़ में सुधार लाऊंगा, ठीक है। और तुम्हारा भाई ऐसा लग रहा है, और कुकी ये अपने बच्चे को सिखा रही है, और देखो इसने देखा मैं आ रहा हूँ ये भाग रही है। अभी मैंने अगर चिकन का पीस लिया हो ना भाई, इतनी पागल हो जाती है ना, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा चिकन के पीस को देख के कितनी पागल हो जाती है। तो गाइज निकलते हैं कॉलेज के लिए, दीदू मुझे छोड़ने आ रही है और मेरे को अपने साथ लेके जाना है ये कैशियो। ये कैशियो अंकित कुमार का है, अंकित कुमार वही जो वीडियोज में मेरी बहुत हेल्प करता था पहले। सो गाइज मैं गया तो अंकित को लेने था ऊपर, पर अंकित तो मिला नहीं है, मिल गया रैपर, और अंकित का ढोल बजोली मेरे पास है। सो गाइज वी आर बैक इन कॉलेज, और देखो मुझे कॉलेज में कौन मिला है, बंदर बंदरी। सो गाइज हम आए हैं डीम, क्लास वगैरह ओवर हो गई है, हिल से हम डीम आए, हालत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, और ये मेरे नए फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। सो गाइज राइट नाउ आई एम एट डीम यूनिवर्सिटी कैंपस, और वहाँ पे मुझे मिला सबसे होनहार टॉपर यहाँ का। तो गाइज अभी हम अंकित का छुनछुना लेने जा रहे हैं। गाइज अभी हम जाने वाले हैं चोर गुफा में ग्राफिक गिरा की। तो ये रहा डीम, ये अंकित का डिपार्टमेंट, अंकित की क्लास यहाँ होती है मिस्त्रियों के साथ। तो गाइज वैसे मेरा धूप से 36 का आंकड़ा है, और ये मुझे और किल्स आ रहा है, इतना घुमा के लाया ना वहाँ से, भयंकर मेरी गर्मी में ऐसा जुनूस निकल गया। सो गाइज ये नया बिल्डिंग है डीम का, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ओ माय गॉड। और ये हमने कैशो पिक कर लिया है। गाइस देखो कहाँ से आ रहा है ये। सो गाइस अभी एक सीन बताता हूँ, हम इतनी दूर गए इसका कैशियो लेने कि ये वहाँ पे उनके साथ प्ले करेगा, बट इसका कट गया है, वो चले गए, इसको पूछा भी नहीं, इसकी तरफ देखा भी नहीं, कितना झूठ बोल रहे हैं, चीज की दाढ़ी है उनके, दूर कट गया दाढ़ी। सो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे हिल, और ये बोक के ले जाना पड़ रहा है मुझे गन्ना, काला गन्ना। सो गाइस इसका मैंने बड़ा सा पियानो बस में रखवा दिया है। तो गाइज मैं पीजी आया हूँ अपना खाना खाने, और अज्जू भाई को ढूंढ रहा हूँ, अज्जू भाई के दरवाजे के बाहर। अज्जू भाई आ? खाना खिला दो, पहले ऐसे करो, कर दो, करो ऐसे। हाय गाइज, हाय गाइज। तो
खाना खा के बहुत राहत आ रही है। अभी आर्यन के कुछ फ्रेंड्स आए हैं हल्द्वानी से सिर्फ ड्रेस के लिए 5-6। तो क्या होगा कि मैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं किसी को लिंक तो भेजता नहीं पर्सनली, बट जैसे मुझे आगे से कोई लोग मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है मैं उनको बोलता हूँ अगर आप यूट्यूब चलाते हो, ब्लॉग्स देखते हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, तो करना। यही तो होता है सेल्फ प्रमोशन, किसी को पर्सनली लिंक भेजने से अच्छा आप सर्व करो। आंकी क्या लगता है, गलत है कि बेकार है कि अच्छा है? भाई मेरे को लगता है कि आप लोग सर तारीफ कर रहा है, अंदर तो गाली दे रहा होगा। और खाना भी मैंने ही खिलाया इसको, ऐसे वाले काम ना कर दियो कि जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में नहीं, हाँ छेद ही होता है। तो गाइज मैं और ये गोंदूराम बस के लिए जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए हैं। ये लड़कियाँ तारता रहता है, लेट मैं होता हूँ। तो गाइज़ हम कॉलेज से आ गए हैं और अभी मुझे अंकित वैसे समोसा खिला रहा है हमको। ये मेरे घर रख सकता था कैशियो, पर ये बहुत शर्ण है। गाइज बारात भी जा चुकी है, अंकित अभी तक नहीं आया, रैपर सीट भी परेशान है। तो गाइज यहाँ पे पूरा खा लिया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ घर, मुझे यहाँ के बाद बिटिया बेकरी जाना है, बेकरी के पास। सो गाइज मैं अपना GoPro दे रहा हूँ, ये छोटा वाला, इसको, ये बहुत जल्द YouTube में आने वाले हैं। जो पहला वाला चैनल था उस समय हमने बेकरी की बहुत खिल्ली उड़ाई कि ठंडी पेटीज बेचता है, बट अब इन्होंने ओवन लिया है बहुत महंगा वाला, तो अब गर्म पेटीज ओनली, और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, शीशा तक गर्म हो रहा है। तो बेकरी की दुकान में एक बहुत फेवरेट चीज़ आ रही है, लड्डू, अभी वो मुझे खिलाने वाला है। वैसे मैं खा रहा हूँ एक, बट एक शॉट मैं वाला भी लूँगा ना जहाँ पर मुझे देगा, तुम्हें पता भी तो लगना चाहिए मुझे दे रहा है, नो कॉस्ट फ्री में। क्या है, थैंक यू ब्रो, वेलकम ब्रो, एक्सचेंज ऑफर, 5 रुपए का लड्डू और GoPro दे जाओ। सिल्ला हो रहा भयंकर, तुमने हवा लगवा दी, चलो टेक सेकंड ब्रो। सिल्ला हो रहा भयंकर। गाइस ये बहुत अच्छे हैं, अगर आपको खाने हैं तो बिटिया बेकरी में जरूर आना, सच में बहुत टेस्टी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 2। आज मैं नॉनवेज खाऊंगा क्योंकि स्वाति के भी नवरात्र के फास्ट ख़त्म हो गए हैं, सो आज कोई दिक्कत नहीं है, आज इजीली मैं बकरा वगैरह खा सकता हूँ। और ये भाग गया मुझे कैमरा देख के, भूत, ओ माय गॉड, घर में आया भूत। और अभी ना मुझे थोड़ी देर पहले तक गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे शूज़ लेके गया ये वाले, और इसका नीचे से ना सोल खुल गया, पता नहीं कहीं नदी वदी में गया होगा, और ये मेरी मम्मी जी ना शूज़ कोई भी आता है दे देती है। और वैसे यहाँ पे मैं अपना गुस्सा दिखा सकता हूँ क्योंकि वो व्लॉग वगैरह तो मेरे देखता नहीं, उसे क्या पता लग रहा है। बुरा लगता है यार, पता नहीं मम्मी जी की उस आलमारी से इतना प्यार क्यों है, छोड़ ही नहीं रही है पीछा। आ गया वो देख रहे हैं क्या है? है ही है ही। तो यार वो काट दोगे क्या? ये अच्छे भी नहीं लग रहे पता है, तब सही लगेंगे, मस्त लगेंगे नहीं ऐसे ना, वो ऐसे अच्छे लग रहे मुझे, कोई बात नहीं, निकाल दी ना। अबे यार मम्मा मत करो यार, निकाल के रख रही हूं मैंने, मम्मी जी बोल रही है जूतों को इनका निकाल देते हैं, ऐसे तो ये जूता लंगड़ा लूला हो जाएगा। अरे हां ये तो मस्त हो जाएगा, वो पता है मेरा जूता काट दिया, वैसे भी तू पहन तो रहा नहीं, मैंने दूध दे दूंगी किसी को, ये आप पहनूंगा ना, पता नहीं कितने जूते पहन लेगा तू, अब सारे पहन लूँगा मैं, मेरे राउंड के पैर 1, 2, 10 पीछे। तो मम्मी जी ने मेरा जूता काट दिया है, अब ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे मूली के ऊपर का छील देते हैं, और कैसा लग रहा है ये, मस्त लगता है। डुगू मम्मी जी ने पूरा ही जूता काट दिया, ये स्ट्रिप भी काट दिया और ये चिपकाने वाला भी काट दिया। गाइस मैं और सिया आए हैं झूला झूलने, ये क्या कुछ साल पहले जो है लोग मौत से डरते थे। 50 रुपए अभी तो गए ही नहीं ऊपर, सिया की हालत खराब होती हुई है अब। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैक कैमरे से, मेरा मोबाइल ना गिर जाए। और ये मैं आसमान के ऊपर। तो गाइस इस वक्त हम बहुत तेज झूल रहे हैं फेरेस व्हील में, और सिया डर रही है, सिया को डर लग रही है, मुझे डर लग रही है गाइस।
ओ भैया रुकने का कोई सीन नहीं है क्या? So guys, हमारा भानी वाला ऊपर से बहुत प्यारा लगता है, बहुत 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 प्यारा, बहुत प्यारा। लाइक का चैनल को सब्सक्राइब करो। So guys, अभी हम ड्रैगन की टिकट ले रहे हैं यहाँ से। अबे यार लाइट नहीं आ रही यार। ओ भाई साहब। और यहाँ पे सिया की हालत खराब। चिल्लाओ यार, चिल्लाओ ना, चिल्लाओ चिल्लाओ शाबाश। कोई नहीं चिल्ला रहा, कोई नहीं चिल्ला रहा। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन में। दा 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 दा। So guys, we have enjoyed a lot here. बहुत मजा आया। हम वैदू के लिए ये लेके जा रहे हैं टिंगो। So यार गाइस, मैं घर आ गया हूँ और काफी खा लिया पी लिया है। और वैसे हमने मतलब पहले झूले झूले फिर हमने खाया पिया, क्योंकि अगर ना पहले खा लेते फिर झूला झूलते ना तो उल्टी भी आ जाती है, बैक वगैरह आ जाती है। बाकी यार इस व्लॉग में इतना ही था। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।